मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टूडे आई विल स्टार्टअर साइंस क्लास ऑनलाइन डियर्स वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फोर टुडे सो लेट स्टार्ट चैप्टर फोर स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम क्वेश्चन फर्स्ट वट इज द स्केलेटल एस के ई एल ई टी एल सिस्टम एस वाई एस टी ई एम सिस्टम राइट ऑल द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स बताओ आंसर द बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज कार्ड स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बोन्स होती है वो क्या बनाती है फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का जो हम पूरी बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम पार्ट्स क्या क्या है स्केलेटल सिस्टम के स्कल एस के यू डब्ल स्कल रिब्स आर आई बी एस रिब्स बैकबोन लिम्स आर द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम क्वेश्चन टू वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स एंड वट आर देयर फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स बतानी हैं और उनके फंक्शंस बताने आंसर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स वॉलेंटियरी वी ओ एल यू एन टी ए आर वाई वॉलेंटियरी दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल जो ये मसल्स होती है हमारी किस में होती है कंट्रोल में ये मसल्स किस में होती है हमारे कंट्रोल में होती है सेकेंड इज इन वॉलेंटेरी आई एन वी ओ एल यू एन टी ए आर वाई इन वॉलेंटेरी दे वर्क ऑन देअर ओन जो ये मसल्स होते हैं ये अपने आप वर्क करती है थर्ड इज कार्डियक मसल सी ए आर डी आई ए सी कार्डियक मसल्स दे पम्प ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी ये मसल्स क्या करती है ब्लड को पंप करती है किसमें ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्वेश्चन थर्ड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व डिफरें बताने हैं किस किस नर्व के बीच में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में सेंसरी नर्व एस ई एन एस ओ आर वाई एन ई आर वीई सेंसरी नर्व द नर्व ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड जो नर्व क्या करती है मैसेज को ब्रिंग करती है कहाँ से सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड सेकेंड इज मोटर नर्व द नर्व कैरी कमांड फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ये कमांड कैरी करती है फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन क्वेश्चन फोर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स के बीच में फर्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स जॉइंट्स द दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी जो जॉइंट्स किस में हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल दैट कैन नॉट बी मूव वह जॉइंट्स जो मूव नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते उनको हम कौन से जॉइंट्स बोलते हैं मूवेबल इमूेबल जॉइंट्स क्वेश्चन फिफ्थ इज वट आर रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन थैंक यू स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड यू लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर बुक गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लेट यू स्टार्ट आवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेज फॉर क्लास फिफ्थ माई डियर स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लास वी रिवाइज चैप्टर नंबर सिक्स टूडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर सेवन एस सी एफ एंड एल सी एफ फर्स्ट इज एस सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर टू नंबर्स इज कोल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का कॉमन ग्रेटस्ट फैक्टर हाइस्ट कॉमन फैक्टर कहलाते हैं इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं जी सी डी एस सी एफ फाइंड करने के थ्री मेथड्स होते हैं फर्स्ट इज बाई लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर जो भी नंबर हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करके वहाँ से एच सी एच सी एफ फाइंड आउट किया जा सकता है सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन से एस एफ फाइंड किया जा सकता है थर्ड इज डिविजन मैथड से एस एफ फाइंड किया जा सकता है नास्ट टेंट एक क्वेश्चन की हेल्प से तीनों मेथड से एस सी एफ फाइंड आउट करते हैं सोलर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड एसी बाई लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स की लिस्ट रेडी करके वहाँ से एस एफ फाइंड आउट करना है नाउ नंबर यहाँ गिवन है ट्वेंटी एंड थर्टी सिक्स फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी के फैक्टर्स होंगे वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी मीन ट्वेंटी सिर्फ इन्हीं नंबर की टेबल में आता है नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स के फैक्टर होंगे वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व एटीन एंड थर्टी सिक्स नाव कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन फैक्टर में लिखेंगे टू और फोर दोनों में कॉमन है ना एस सी एफ एस सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर का हाइएस्ट नंबर है फोर तो मीन्स एस सी एफ है यहाँ पे फोर आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड नाउ वी फाइंड एस सी एफ बज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नंबर्स यहाँ गिवन है एट एंड फोर्टी स्टूडेंट्स पहले एट के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे फिर फोर्टी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एट के प्राइम फैक्टर्स हैं टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन एंड फोर्टी के प्राइम फैक्टर्स है टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय वन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन नंबर है टू 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 सी एफ होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू इज टू एट मिस कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ से एस सी फाइंड आउट हो जाएगा आई थिंक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्वेंटी एंड थर्टी सिक्स ट्वेंटी और थर्टी सिक्स के हमने लिस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एस सी एफ फाइंड आउट किया है अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एस सी एफ फाइंड आउट करेंगे पहले ट्वेंटी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ट्वेंटी के प्राइम फैक्टर्स है टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई वन अब थर्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके राइट करेंगे टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय वन नाउ कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन नंबर है टू एंड टू एस सी एफ होगा टू मल्टीप्लाई बाई टू इज टू फोर एस सी एफ यहाँ पे फोर है और लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स से भी इसका आंसर सेम था फोर नाउ फाइंड एस सी एफ बाई डिविजन मैथड डिज़न मैथड से एस सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं डिविजन मैथड के अंदर ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं या ग्रेटर नंबर है वन एटी उसको स्मॉलर नंबर सेवेंटी फाइव से डिवाइड किया reminder है रिमाइंडर बचता है थर्टी अब थर्टी से फर्स्ट डिवाइजर को डिवाइड करेंगे सेवेंटी फाइव अगेन रिमाइंडर बचता है फिफ्टीन फिफ्टीन से अब डिवाइजर थर्टी को डिवाइड कर देंगे अब रिमाइंडर जीरो जीरो बचता है मिस जब तक रिमाइंडर जीरो जीरो नहीं आ जाता तब तक उसको डिवाइड किया जाता है लास्ट डिवाइजर है यहाँ पे फिफ्टीन मिस एस सी एफ है फिफ्टीन नाउ पार्ट बी ट्वेंटी एंड थर्टी सिक्स ग्रेटर नंबर है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को स्मॉलर नंबर ट्वेंटी से डिवाइड किया रिमाइंडर बचता है सिक्सटी अब फर्स्ट डिवाइजर ट्वेंटी को सिक्सटीन रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे अगेन रिमाइंडर बचता है फोर फोर से अब सेकेंड डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर अब जीरो जीरो बजता है मिस लास्ट डिवाइजर यहाँ पे फोर है एस सी एफ होगा फोर ट्वेंटी और थर्टी सिक्स के तीनों मेथड से ऐसे आप फाइंड आउट किया है आंसर सेम है फोर मिस क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं कहा गया है कि किस मेथड से ऐसे आप फाइंड आउट करना है तो हम किसी भी मेथड से ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर सेम आएगा आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या एल सी एम द स्मालेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीट डिविजल बाय इच ऑफ द टू एंड मोर देन टू नंबर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या एल सी एम मिस वो स्मालेस्ट नंबर जो गिवन टू या मोर देन टू नंबर से कम्पलीट डिवाइड हो जाते हैं मिस रिमाइंडर जीरो बचता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी थ्री मेटर से फाइंड आउट किया जा सकता है फर्स्ट इज बाई लिस्टिंग द मल्टीपल्स ऑफन नंबर गिवन नंबर के मल्टीपल्स राइट करके वहां से एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है सेकेंड इज बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड से भी एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है थर्ड इज बाई डिविजन मैथड डिजन मैथड से भी एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल की हेल्प से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं सो लेट स्टार्ट फाइंड द एलसीय बाई लिस्टिंग मल्टीपल्स गिवन नंबर के मल्टीपल्स राइट करके वहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करना नंबर से गिवन है फाइव एंड थ्री नाउ मल्टीपल्स ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल्स राइट करेंगे मींस फाइव की टेबल राइट करेंगे नाउ मल्टीपल्स ऑफ थ्री मीन्स थ्री की टेबल राइट करेंगे नाउ कॉमन मल्टीपल्स इनमें कॉमन मल्टीपल्स है फिफ्टीन और थर्टी एलसीएम एलसीएम होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीनस इसमें सबसे छोटा नंबर है फिफ्टीन तो यहाँ एलसीएम होगा फिफ्टीन आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है नंबर गिवन है ट्वेंटी फोर एंड थर्ट सिक्स पहले ट्वेंटी और थर्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ट्वेंटी और थर्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद एलसीएम के अंदर पहले कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर्स को कॉमन फैक्टर यहाँ पे टू टू एंड थ्री टू मल्टीप्लाई हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है 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 सभी को करने पर आता का एलसीएम बाय डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड किया जा सकता है इस तरह के एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के उसके अंदर गिवन नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके राइट किया जाता है अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है जिससे two, भी डिविबल नहीं है यहाँ एल सी एम होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव टू टू जो फोर थ्री मिस फोर सिक्स और टेन का एलसीएम होगा सिक्सटी आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड नाउ रिलेशन बिटवीन एल सी एम एंड एस सी एफ एस सी एफ और एल सी एम के बीच में रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एस सी एफ मिस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर गिवन है उनका मल्टीप्लीकेशन उस नंबर के एल्सीयम और एस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होते हैं नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी इफ़ द एस सी एफ इफ़ ट्व फाइंड द एल्सीयम स्टेंड क्वेश्चन में हमें टू नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी एस सी एफ गिवन है ट्वेल्व एल्म क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला फॉर्मुलास्टोट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर गिवन नहीं है वहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है मीन फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आती है डायरेक्ट वो हमें यहाँ गिवन है टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी इज्गल टू एस सी एफ गिवन है ट्वेल्व एल सी एम फाइंड आउट करना है तो उसको सेम राइट right करेंगे एल सी एम ना एल सी एम को इधर ही रखेंगे ट्वेल्व को इधर लेके आएंगे इक्वल के इधर इक जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा टू टाउज वन हंड्रेड सिक्सटी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व अब टू हंड्रेड सिक्सटी को 12 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आता है वन एट्टी मिस एलसीएम है यहाँ पे वन एटी थिंग यू अंडरस्टैंड वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन द एस सी ऑफ टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स एंड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी इज थ्री हंड्रेड फोर्टी टू मिस टू नंबर हमें यहाँ गिवन है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी उसका एस सी एफ हमें गिवन है थ्री हंड्रेड फोर्टी टू

फर्स्ट नंबर के नीचे फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे सेकंड नंबर के नीचे सेकंड नंबर ऐड करेंगे आप राइट करेंगे थ्री हंड्रेड फोर्टी टू एल्सीियम हमें फाइंड आउट करना है तो उसको सेम राइट करेंगे नाउ एलसीएम को एक साइड रखेंगे थ्री हंड्रेड फोर्टी टू मल्टीप्लाई में है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा अब इनको कट करेंगे लास्ट में बचता है एट मिस एल्सीियम होगा एट मल्टीप्लाई बाई एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है सिक्सटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सो एल्सीियम इज सिक्सटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स यदि क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं बताया किस मेथड से एस सी फाइंड आउट करना है तो आप तीनों मेथड में से किसी से भी एस और एल फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर तीनों मेथड से सेम आता है तीनों मेथड करेक्ट है सो स्टूडेंट्स 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 यू यू रिवाइज चैप्टर नंबर थैंक हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका एम एल इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चा आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे पीटी टू का रिवीजन और रिवीजन में आ गए हम पार्ट सात पर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट सात और आठ का रिवीजन सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट सात के शब्दार्थ शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला अर्जित प्राप्त आमदनी कमाई निगाह नज़र मंद मंद धीमे धीमे शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला अर्जित प्राप्त आमदनी कमाई निगाह नजर मंद मंद धीमे धीमे मंत्रमुग्ध मोहित कृति रचना अरुणाभ लाल रंग जीवंत जीता जागता कलाकृति पेंटिंग अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए नेकचंद जी बेकार वस्तुओं को किस प्रकार काम में लाते थे इसका उत्तर होगा सुंदर कलाकृतियाँ बनाने के काम में किस प्रकार के काम में लाते थे सुंदर कलाकृतियाँ बनाने के काम में उनका शोक क्या था इसका उत्तर होगा पौधे लगाना फूलों की क्यारियाँ बनाना और उनकी देखभाल करना उनका शोक था अगला प्रश्न है किस वस्तु के बारे में लोगों को पता चल गया था इसका उत्तर होगा नेकचंद की कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चल गया था लिखित प्रश्न में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए नेकचंद जी कहाँ काम करते थे इसका उत्तर होगा कृषि विभाग में अगला प्रश्न है नेकचंद जी किसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए इसका उत्तर होगा बर्तनों पर पड़ती किरणों को देख सरकार की सहायता से नेकचंद जी ने दर्शनी स्थल का निर्माण कहाँ पर किया इस प्रश्न का उत्तर होगा चंडीगढ़ में एक सच्चा कलाकार हर वस्तु में क्या देखता है इसका उत्तर होगा सौंदर्य इसके बाद है हमारी प्रश्नोत्तर टूटे फूटे सामान के प्रयोग की बात नेकचंद जी के मन में कैसे आई इसका उत्तर होगा चीनी मिट्टी के टूटे बर्तनों पर पड़ती लाल रंग की किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके मन में टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात आई नेकचंद जी ने सुनसान स्थान पर पहुंचकर टूटे फूटे टुकड़ों का क्या किया इसका उत्तर होगा सुनसान जगह पर पहुंचकर एक उन्होंने सुनसान जगह पर पहुँच उन्होंने उन टूटे टुकड़ों को एक शिला पर जमाने का प्रयत्न किया और वे अपने काम में सफल हुए नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में किस प्रकार के दर्शनीय स्थल का निर्माण किया इसका उत्तर होगा नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का दर्शनीय स्थल बनाया अगला प्रश्न है एक बार विदेशी पर्यटक ने क्या कहकर उनकी प्रशंसा की इसका उत्तर होगा विदेशी पर्यटक ने उनकी प्रशंसा में कहा सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है अगला प्रश्न हमारा है सही पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए शिल्पकार बेकार पड़ी वस्तुओं को सुंदर रूप प्रदान करता है सही है नेकचंद जी चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे ये वाक्य गलत है उनका शोक पौधे लगाना और सुंदर फूलों की कैरियाँ बनाना था ये वाक्य सही है सूर्य की अरुणाभ किरणों ने नेकचंद जी को मंत्र कर दिया ये वाक्य भी क्या है सही है नेकचंद जी की कलाकृतियों को देखने कोई नहीं आता था ये वाक्य गलत है रद्दी से बनी कलाकृतियों का चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल है ये वाक्य भी सही है अब हम करेंगे पाठ आठ के शब्दार्थ तिमिर अंधकार रवि सूर्य कुमती बुरी बुद्धि शीतल ठंडा सुमती अच्छी बुद्धि या स्वभाव अति अत्यधिक लोभ लालच अभिमान घमंड बानी, वानी, आपा अपना अस्तित्व होश खोए, खोना और दूसरों को गो, गाय गज, हाथी, बाजी घोड़ा धूरी धूल इसके बाद उचित विकल्प पर उचित का निशान लगाना है सही का निशान लगाना है तिमिर का नाश कब हुआ सूर्य से सब धन धूल के समान कब लगने लगते हैं संतोष धन के आने पर जहाँ क्रोध है वहां कौन है तो इसका उत्तर होगा मृत्यु किस चीज की अधिकता बुरी होती है अधिक चुप रहना अधिक बोलना तो इसका उत्तर होगा दोनों सही है अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर गुरु के ज्ञान से क्या लाभ होता है इसका उत्तर होगा गुरु के ज्ञान से बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है मधुर बोली का क्या प्रभाव पड़ता है इसका उत्तर होगा मधुर बोली से अपने मन को भी सुख प्राप्त होता है और दूसरे लोग भी सुखी होते हैं आगे है हर कार्य में अति का त्याग क्यों करना चाहिए इसका उत्तर होगा हर कार्य में अति अच्छी नहीं होती यह हानिकारक होती है इसलिए इसका त्याग करना चाहिए अगला प्रश्न है भक्त को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए इसका उत्तर होगा क्योंकि घमंड करने से भक्ति समाप्त हो जाती है आगे है कुछ निम्नलिखित दोहों के भाव दिए गए हैं उनसे संबंधित दोहे लिखिए तो पहला भाव है गाय ही धन है गा गाय भी धन है हाथी भी धन है घोड़ा भी धन है तथा अनेक रत्न धन भी की खाने हैं परंतु जब संतोष धन आता है तो सब धन धूल के समान लगते हैं तो इसमें पंक्ति आएगी गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान अगला भाव है मन के अहंकार को मिटाकर ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए जिससे सभी लोग सुखी हों और आप स्वयं भी सुखी हों इसमें क्या पंक्ति आएगी ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए अगला भाव है सूर्य के दिखाई देते ही अंधकार नष्ट हो जाता है इसी प्रकार गुरु का ज्ञान प्राप्त होने पर बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है अधिक लालच से अच्छी बुद्धि नष्ट हो जाती है अभिमान आने पर भक्ति समाप्त हो जाती है तो इसके लिए पंक्ति आएगी तिमिर गया रवि देखते कुमती गई गुरु ज्ञान सुमती गई अति लोभते भक्ति गई अभिमान अगला भाव है जहाँ दया है वहाँ धर्म है चाहे लालच है वहाँ पाप है जहाँ क्रोध है वहाँ काल है और जहाँ क्षमा है वहाँ आप तृप्त है यहाँ पर पंक्ति आएगी जहाँ दया वहाँ धर्म है जहाँ लोभ वहाँ पाप जहाँ तह काल का, जहाँ क्रोध तहकाल है जहाँ क्षमा तह आप इसके बाद भाव है बहुत अधिक बोलना अच्छा नहीं और बहुत अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं इसी प्रकार अधिक बरसना भी ठीक नहीं है और बहुत अधिक धूप होना भी लाभदायक नहीं है कहने का भाव यह है कि हर कार्य में अति नहीं करनी चाहिए इससे हानि होती है इसके लिए पंक्ति आएगी अति का भला न बोलना अति की भली न चूप अति का भला न बरसना अति की भली न धूप तो बच्चों मैंने कराया आपको पार्ट सात और आठ का रिविज़न और अगर आपने पार्ट चार से पार्ट आठ तक कोई भी पार्ट अपनी नोटबुक में नहीं लिखा है तो वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे तो बच्चों कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स इन आवर क्लास 5th टुडे वी विल रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 5 इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन आवर चैप्टर नंबर 5 आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज इक्वेटर E Q U A T O R इक्वेटर मींस भूमध्य रेखा सेकंड इज रीजन R E G I O N रीजन मींस क्षेत्र थर्ड इज़ क्लाइमेट सी एल आई एम ए टी ई क्लाइमेट मीन्स जलवायु फोर्थ इज़ कॉन्टिनेंट सी ओ एन टी आई एन ई एन टी कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप फिफ्थ इज़ इवेपोरेशन ई वी ए पी ओ आर ए टी आई ओ एन इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण सिक्स इज थंडरस्ट्रोम टी एच यू एन डी ई आर एस टी ओ आर एम थंडरस्ट्रोम मीन्स आंधी तूफान सेवेंथ इज टेम्परेचर टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई टेम्परेचर मीन्स तापमान एर्थ इज़ मिनरल्स एम आई एन ई आर ए एल एस मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ नाइंथ इज़ फॉरेस्ट एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट मीन्स वन टेंथ इज़ टर्मिनेट टर्मिट्स सॉरी टर्मिट्स टी ई आर एम आई टी ई एस टर्मिट्स मीन्स दिमक

क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज रेन फॉरेस्ट रीजन हैव किस प्रकार की क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है हॉट एंड वेट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नोट लाइज इन द रेन फॉरेस्ट रीजन इनमें से कौन सी कंट्री है जो रेन फॉरेस्ट रीजन में नहीं पाई जाती है साउथ अफ्रीका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर इज हाउ नी लेयर्स ऑफ ट्रीज आर देयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ट्रीज की इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट फोर लेयर्स नाउ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द पिगमीज आर फाउंड इन जो पिग्मीज है वो कहां पर पाए जाते हैं कॉन्गो सी ओ एन जी ओ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैश इज द सेकेंड लेयर ऑफ ट्रीज क्या है जो ट्रीज़ की सेकेंड लेयर है कैनोपी सी ए एन ओ पी वाई कैनोपी इज द सेकेंड लेयर ऑफ ट्रीज क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रेन फॉरेस्ट रीजन डिड नॉट गेट डायरेक्ट डैश ऑफ द सन जो रेन फॉरेस्ट रीजन है वो डायरेक्ट सन की क्या रिसीव नहीं करता है रेज आर ए वाई एस रेज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मॉर्निंग आर डैश एंड ह्यूमिड इन रेन फॉरेस्ट एरियाज मॉर्निंग्स जो हैं वो ह्यूमिड और कैसी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर हॉट

क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द इक्वेटोरियल रेन टोरिड जोन जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो टोरिड जोन के अंदर पाया जाता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट सेकेंड इज टोलेस्ट ट्रीज फुर ए कैनोपी लंबे जो पेड़ हैं वो कैनोपी बनाते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट थर्ड इज लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल इन रेन फॉरेस्ट रीजन रेन फॉरेस्ट जो रीजन है वहाँ पर जीवन बहुत आरामदायक पाया जाता है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट एफ आएगा फोर्थ है द ट्रीज विच स्टिक्स बियड द कैनोपी आर नोन एज एंडर स्टोरी जो ट्रीज कैनोपी के नीचे पाए जाते हैं उन्हें अंडर स्टोरी के नाम से जानते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट ज दियल रीजन लाइज कहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन स्थित है द इक्वेटोरियल रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर इक्वेटोरियल रीजन जो है वो इक्वेटर equator. के दोनों साइड पाया जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन रेन फॉरेस्ट रीजन की क्लाइमेट कैसी है द रेन फॉरेस्ट रीजन हैव वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर पूरे साल रेन फॉरेस्ट रीजन में जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट पाई जाती है नाउ और एक्सरसाइज सॉरी और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द डिफरेंट लेयर्स इन विच प्लांट्स ग्रो इन रेन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके नेम क्या है फर्स्ट इज अमरजेंट लेयर सेकेंड इज कैनोपी लेयर थर्ड इज अंडरस्टोरी लेयर फोर्थ है फॉरेस्ट फ्लोर फर्स्ट क्या है अमरजेंट लेयर सेकेंड कैनोपी लेयर थर्ड अंडरस्टोरी लेयर और फोर्थ है फॉरेस्ट फ्लोर क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन किस प्रकार के एनिमल्स इक्वेटोरियल फ़ॉरेस्ट रीजन के अंदर पाए जाते हैं आंसर लिखेंगे मैनी एनिमल्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फ़ॉरेस्ट रीजन सच एज एप्स चिमपेंजीज फ्लाइंग स्क्रल्स गोरिल्लाज एंड स्नैक्स एटसेट्रा बहुत प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे एप्स चिमपेंजीज फ्लाइंग स्क्रल्स गोरीलाज एंड स्नैक्स आदि और क्वेश्चन नंबर इज़ नेम ऑन प्लांटेशन फार्मिंग उन के नाम बताने हैं जो प्लांटेशन फार्मिंग फार्मिंग में उगाई जाती है आंसर लिखेंगे कोको कॉफी रबर कॉटन तम्बाकू एंड प्लम ऑयल ग्रो ऑन प्लांटेशन फार्मिंग कोको कॉफी रबर कॉटन तम्बाकू एंड प्लम ऑयल जो है वो प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर ग्रो किए जाते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड यू लर्न कम्प्लीटली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो दिस इज फॉर क्लास फिफ्थ चैप्टर फोर ग्रेट पीपल ग्रेट डीड्स सो लेट इज फर्स्ट टू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज एक्शंस सेंट मीन्स अ होली पर्सन डिसिपल्स मीन्स फॉलोअर्स Welcomed means greeted. Disperse means to move apart. Wicked means bad. Rebuked means scolded. Departing means going away. Continue means remain. Spread means make widely known. Wickedness means bad behavior. Incident means event. Carriage means a vehicle. O means to have. To pay back something. Insisted means said firmly. Repay means to pay back. Debt means a sum of money borrowed. Lift means to raise. Callous means unkind, harsh. Instead means in place of that. Annoyed means angry. Remarked means commented. And realized means became aware. So now let us do the multiple choice questions of this chapter. First one is Dash is a great saint of six. Answer is Guru Nanak. Next one is According to Guru Nanak, good people would spread goodness. Answer is goodness. Next one is Dash had not forgotten to repay an old debt. Answer is Napoleon Bonaparte. And the last one is Dash was the first president of. America. Answer is George Washington. Now let us do the true false of this chapter. So, first one is the commander officer was kind to his soldiers. This is false. Second one is the emperor repaid two coins to the old woman as an old debt. Answer is false. Next one is it is a good habit to correct our mistakes. This is true. And the last one is the man who helped the soldiers to load the heavy log of wood was George Washington. Answer is true. Now let us do the fill in the blanks. So, first one is a group of American soldiers was trying to lift a dash log of wood. Answer is heavy. Next is once a royal dash stopped in front of a school. So, answer is carriage next one is the people of first village dash guru nanak and his disciples answer is welcomed and the last one is the old woman was selling dash answer is fruits now let us do the question answers so first question is who sent to who went to a village with his disciples answer is guru nanak next one is who repaid his debt after so many years answer is the emperor and the last one is who helped the group of american soldiers answer is american president the next one is how did people of first village receive guru nanak so the people welcomed guru nanak and his disciples Next question is What did Napoleon Bonaparte say to the old woman? Answer is He said that I have bought a bouquet of flowers on my father's birthday from your dad. And the last one is What did the simple looking man do to help the soldiers? Answer is He helped the soldiers to load the heavy. Bag of wood, or you can say the heavy log of wood. Now, come to the G part of this exercise. So, first question is What did Guru Nanak tell his disciple? Answer is Guru Nanak told that the good people are like flowers, they will spread their fragrance while the bad people shall be stopped from spreading their sin and wickedness next question is why had the napoleon bonaparte gone to his school answer is napoleon bonaparte gone to his school because he paid his old debt of woman and the last question of this chapter is what did the simple looking man say to the commanding officer? Answer is the simple looking man asked the officer, Why don't you help the soldiers? So, students, please prepare these uh, chapters and see the videos to prepare for your examinations. Thank you.